गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज क्लास। और आज की क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर होता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इन तीनों के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कब इस्टेब्लिश की गई, इनके फंक्शंस क्या हैं और इनका हेड कौन होता है, तो ये इन सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट और वीडियोस पसंद आ रहे हों, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट गाइस। सो शुरू करते हैं आज की क्लास, जहाँ पर पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, व्हाट इज़ PMO, राइट। तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि कब इस्टेब्लिश किया गया था ये। सो PMO वाज ओरिजिनली सेट अप एज अ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। तो पहले जो PMO, अभी जो PMO है, तो ओरिजिनली इसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट PMS के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था 1947 में। तो यहाँ से एक MCQ बनता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि MA के एंट्रेंस टेस्ट हो गए आपके या UGC नेट के लिए। नेक्स्ट है कि जब PMS ओरिजिनली 1947 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको PMO चेंज कब किया गया, 1977 में। ये डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सो इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, 1977 आपको याद रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि जो PMO है आपका, इसका ऑर्गेनाइज जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किन किन लोगों से मिलकर बना है। तो इमीडिएट स्टाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो इमीडिएट स्टाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होता है वो, और मल्टीपल लेवल ऑफ सपोर्ट स्टाफ जो होते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं PM को, उनसे मिलकर PMO बनता है। अब PMO को हेड कौन करता है, तो PMO को हेड करता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट MCQ आपका कहाँ से बन जाता है, इस पॉइंट से, कि जो PMO का हेड है वो कौन है। तो PMO का हेड है आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये ध्यान रखना है। UGC नेट में भी पूछा जाता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट जो होगा आपको, MA एंट्रेंस टेस्ट, वहाँ पर भी पूछा जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं कि PMO को जो डिफाइंड एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, तो PMO को डिफाइन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को, जो क्रिएट किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ 77(3) इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेक्रेटेरियल असिस्टेंस। सो प्राइम मिनिस्टर को सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये एक ऑफिस बनाई गई थी। तो इसको जो डिपार्टमेंट का स्टेटस मिला हुआ है, वो किसके अंडर मिला हुआ है, अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ प्रोविजंस हैं जिसके तहत जो PMO ऑफिस है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, राइट। नेक्स्ट है कि जो इम्पोर्टेंस रखता है, बट ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपने देख रहे हो ना कि ये जो डिपार्टमेंटल स्टेटस मिला है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंडर में नहीं मिला हुआ है, ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 है, इसके तहत मिला हुआ है। तो ये क्या हो गई, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि वो बॉडीज जो, जिनका मेंशन किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन नहीं है, वो होती हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इसी को कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। सो डोंट गेट कन्फ्यूज हियर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में नहीं मिलेगा आपको, ये बात है, इसका ये मतलब है। तो ये एक बेसिक सा बैकग्राउंड हो गया कि कब इस्टेब्लिश किया गया है और ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ PMO। कॉम्पोजिशन ऑफ PMO में आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकली हेड है, जो पॉलिटिकल हेड होता है PMO को, वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हेड होता है वो कौन होता है आपका, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो हमने ऊपर देखा ना कि जो इसका, हाँ, PMO को हेड कौन करता है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो इसमें दो तरीके के हेड पूछे जा सकते हैं, एक पॉलिटिकल हेड कौन होता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं।
इसके बाद एक या दो एडिशनल सेक्रेटरीज भी होंगे इसमें, राइट। इसके बाद 5 जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हमारे इसी में आते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, ये सारे मिलकर पीएमओ को बनाते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो है पॉलिटिकल हेड कौन है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं किसके फंक्शन क्या होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इसके फंक्शन क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इतना। तो पहला है कि प्रोवाइड करता है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू पीएम को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, और ये एक्ट करता है एज अ थिंक टैंक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम फेडरलिज्म की बात आती है तो नीति आयोग है, पॉलिसी मेकिंग में फेडरलिज्म में स्टेट के साथ कोऑपरेट करना है, कोई पॉलिसीज बनाना है, तो वहाँ पर थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग आता है। तो इन द सेम मैनर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सेक्रेटेरियल असिस्टेंस देने के लिए या थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कौन एग्जिस्ट करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। नेक्स्ट है कि जो पीएमओ है डील करता है ऑल रेफरेंसेस विथ विच अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस कम्स टू पीएम, ये एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा, हेल्प करता है पीएम को इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट, पीएम रिलीफ फंड, पीएम्स नेशनल डिफेंस फंड, ये सारे जो फंड है वो मैनेज कौन करता है, पीएम। तो इनके लिए ये असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, आपका पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। इसके बाद जो पब्लिक रिलेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ पीएम प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए भी आपको पीएमओ रिस्पॉन्सिबल है। फिर इंटेलेक्चुअल फोरम, सिविल सोसाइटीज, इन सब चीज़ों को भी हैंडल करते हैं, फीडबैक लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जो पब्लिक ग्रीवेंसेज होती हैं अगेंस्ट द माल फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, ये सारी चीज़ों को भी कौन हैंडल करता है, कौन मैनेज करता है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होती है। इसके बाद से प्राइम मिनिस्टरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन एग्जामिनेशन ऑफ केसेस सबमिटेड टू हिम। तो एक तरीके का ओवरऑल ये कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर की जितनी ओवरऑल फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको डिस्चार्ज करने में हेल्प कौन करता है, आपका पीएमओ हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो होप सो कि पीएमओ आपको समझ में आ गया होगा। पीएमओ में आपको कुछ जैसे एक बैकग्राउंड याद रखना है कि कब स्टैब्लिश किया गया, इसके बाद कंपोजिशन याद रखना है और फंक्शन याद रखना है। फंक्शन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही याद रखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उस है उनको उनको सेक्रेटेरियल असिस्टेंस देना, थिंक टैंक के रूप में करना, और जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर के लिए सेक्रेटेरियल असिस्टेंस हो सकती है, जितना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन है उसको डिस्चार्ज करने में जो भी पॉसिबल ड्यूटीज एंड ऑल है उसको कौन करता है, पीएमओ। नेक्स्ट कहते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी में हम देखेंगे कि जो ये 1861 में क्या हुआ करती थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो कैबिनेट सेक्रेटरी का अर्लियर नेम, जो ओरिजिनल नेम था जब जब इंडिया वॉज द ब्रिटिश कॉलोनी, तो 1861 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल स्टैब्लिश किया जाता है। और इसके बाद क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी होगी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है जो लॉज का डेवलपमेंट का, उसमें डिफरेंट एक्ट पढ़ते हो, प्री इंडिपेंडेंस टाइम के प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है कुछ इम्पोर्टेंट, तो उसमें एक आपका 1861 एक्ट भी आता है, काउंसिल एक्ट, जिससे इंट्रोड्यूस किया गया था आपका पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम यही जो डिपार्टमेंटल वाइज जो एलोकेशन होता है आपका, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, आपका 1861 काउंसिल ऑफ एक्ट के थ्रू, और वहां पर आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाई गई थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो गवर्नर जनरल को हेल्प करते थे उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में। तो इन द सेम मैनर आप देखेंगे फिर जब इंडिया 1946 में इंटीरियम गवर्नमेंट पर बनती है, तो उस टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स सेक्रेटेरिएट वाज देन डिजिग्नेटेड एज अ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो सेक्रेटरी थी उस टाइम पे,
ये था आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी डिजिग्नेशन दिया गया 1946 में। तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया बेसिक सा। अब कैबिनेट सेक्रेटरी देखेंगे कि इसका मेंशन कहाँ मिलता है आपका, आर्टिकल 352। 352 आपका कैबिनेट टर्म को इंक्लूड करता है एज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट रैंक अंडर आर्टिकल 73। जबकि पीएमओ हमने देखा था क्या था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था। जबकि आप देख रहे हो कि जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इसके प्रोविजंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में खुद मिलते हैं। तो जो आर्टिकल 352 है ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूजीसी नेट और आपका जो एमए का एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। तो कैबिनेट टर्म का जो जो कहाँ पर मेंशन है, तो 352 पर, राइट। ये इम्पॉर्टेंट हो गया आपका। नेक्स्ट देख, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या है, चीफ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये टर्म जो अगर आप आंसर लिख भी रहे हैं या चीफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का सबसे जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स है वो है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी किसकी है, जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज सिस्टम में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज हैं उनके उनके बीच में या उनको लेकर कोऑर्डिनेशन करता है। तो उनको कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट की, आपकी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। सो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑफिस जो है आपकी प्रोवाइड करती है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट। कैबिनेट को हम लोग जानते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज जिनके पास होती हैं वो कैबिनेट में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आपका फंक्शन करता है डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। तो किसको रिपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है कि जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया रूल्स 1961 एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। और ये दो जो रूल्स हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स ऑफ 1961, इनके तहत ये काम करता है आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और फैसिलिटेट करता है स्मूथ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो स्मूथ ट्रांजेक्शन हो इमंग द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या है, आपकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, राइट। तो आपको ये रूल्स भी याद रखने हैं कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। अब देखते हैं कि जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है आपकी उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे है। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कई सारी विंग्स होती हैं, राइट। जैसे कि सिविल विंग, तो सिविल विंग है वो प्रोवाइड करती है असिस्टेंस टू कैबिनेट एंड कैबिनेट मीटिंग्स को लेकर। फिर आपका मिलिट्री विंग है, तो मिलिट्री विंग प्रोवाइड करता है असिस्टेंस टू जो आपका नेशनल डिफेंस काउंसिल एंड अदर बॉडीज डीलिंग विद द डिफेंस, उनको कोऑर्डिनेट करता है। देन इंटेलिजेंस विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको रॉ एजेंसी कहते हैं हम, वो भी इसी पे बैठती है आपकी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का ही पार्ट है। इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस का हो गया, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, फिर नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स एंड कन्वेंशन हो गए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन हो गया आपका, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हो गया। तो ये सारे मिलकर आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बनाते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक चीज और आपको याद रखना है जो जैसे यूजीसी नेट और जैसे एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, वो है कैबिनेट सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिसियो हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का हेड कौन होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो वो होते हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी सेक्रेटरी। नेक्स्ट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ऊपर हमने देखा ना कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। इसके बाद से सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस देते हैं डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जो होता है। सो हमने देखा कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, तो कोऑर्डिनेशन में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, असिस्ट करना, ये सारे इसके
रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। प्रिंसिपल फंक्शंस देखते हैं। सो प्रिंसिपल फंक्शन में आप देखेंगे कि सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटीज, ये इंपॉर्टेंट, जो कैबिनेट और कैबिनेट कमेटीज होती हैं उसको सेक्रेटरी, जो सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि मीटिंग को कन्वेनर करते हैं, जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं या कैबिनेट कमेटीज की कोई मीटिंग है, इन द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। इसके बाद प्रिपरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द एजेंडा एंड प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन, ये सारे फंक्शन हैं। सर्कुलेट द रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। फिर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, तो कैबिनेट और उसकी कमेटीज ने जो डिसीजन लिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन को भी मॉनिटर करते हैं। पहले तो एक डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है उसको मॉनिटरिंग में भी हेल्प करते हैं। अपॉइंटमेंट, ऑल सीनियर लेवल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज डन विद द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट की एक कमेटी होती है जिसका नाम है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो जितने सीनियर लेवल ऑफ अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इवन कैबिनेट सेक्रेटरी को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो इन सब का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये एक कमेटी बनाई जाती है, सेटअप की जाती है और वो डिसीजन लेती है इन सारे अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग में, राइट। तो ये हो गया आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस। सो कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को हेड कौन कर रहा है आपका, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ऑफिशियल प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं पीएम के लिए और अंडर डायरेक्ट चार्ज होते हैं पीएम के। फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे आपके, एनआर पिल्लई, ये याद रखना है। प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है ये भी आपको याद रखना है, 11th ऑर्डर में होते हैं। इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है, इनका टेन्योर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, वो हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के। तो एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के हेड कौन होते हैं, वो होते हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसके हेड है, पीएमओ के हैं। इन दो में डिफरेंस रखना है आपको, ये जब भी आपके क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू वो दोनों को रखेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। मान लीजिए पूछ देगा कि हु इज द हेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, तो उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पीएमओ का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जबकि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का हेड कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये ध्यान रखना है। सो एक्ट एज अ कॉन्साइंस कीपर ऑफ सिविल सर्विसेज, प्रोवाइड्स एंड गाइड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटेरिएट। इसके बाद से आप देखेंगे एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, एक्ट एज अ बफर एंड ब्रिज बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है इस टॉपिक का, वो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आपको कंफ्यूज नहीं करनी है, करना है, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वर्क है उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया जा सकता है, एक पॉलिसी मेकिंग, एक पॉलिसी एग्जीक्यूशन या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। आपको पता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, पहले पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी, पॉलिसी मेकिंग होगी, फिर उस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो सेंट्रल लेवल पे ये काम कौन करता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट करती है। स्टेट लेवल पे कौन करता है, स्टेट सेक्रेटेरिएट करती है। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है जो आपका किसी मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है, दिस इज द इंडिपेंडेंट थिंग, राइट। सो नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ना द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सो इट इज द ओनली टू सपोर्ट द कैबिनेट फंक्शंस। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी इसलिए बनाया गया है कि कैबिनेट फंक्शंस को सपोर्ट कर सके। व्हाट काइंड ऑफ कैबिनेट फंक्शंस, पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन टाइप ऑफ। तो आप थोड़ा डिफरेंस समझ लो सेक्रेटेरिएट पे एंड डायरेक्टोरेट पे। जो सेक्रेटेरिएट होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, राइट, पॉलिसी मेकिंग। इसके बाद जो डायरेक्टोरेट होते हैं वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है। हमने यहाँ पे दो तरीके के फंक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्क पढ़े ना, पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो पॉलिसी मेकिंग कौन कर रहा है, सेक्रेटेरिएट, जबकि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है आपका, डायरेक्टरेट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना।
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस क्या हैं? तो पॉलिसी मेकिंग, जैसे कि सेक्रेटेरिएट लगा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इन द डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. कैसे? क्योंकि जो आपका जो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये तो परमानेंट नहीं है, आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, कल को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होगी, राइट. लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गए, कैबिनेट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गए, ये सब क्या है? ये तो एग्जिस्ट ही करेंगे ना, ये हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं जो IAS एंड ऑल हैं. तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? जो सेक्रेटेरिएट होती है वो कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है विद द स्टेट एंड अदर इम्पॉर्टेंट बॉडीज. इसके बाद से जो आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, एक्ट एज अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेमोरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका ये मतलब है कि ये जो कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करना, एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ पॉलिसी प्रपोजल्स एंड गवर्नमेंट डिसीजंस, लेजिस्लेटिव रोल्स रहता है, जो लेजिस्लेशन, जो बिल आते हैं पार्लियामेंट या लोकसभा राज्यसभा में, उनको कौन ड्राफ्ट करता है, कौन फ्रेम करता है, तो वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट करती है. प्रिपेयरिंग रिस्पॉन्स टू द पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस, प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ बजट, जनरल सुपरविजन ओवर द इम्प्लीमेंटेशन. तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए आपके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के. तो हमने पढ़ा आज की क्लास में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO, राइट. इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, बट स्टिल स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं इन सब के बीच में, कुछ बेसिक डिफरेंसेस नहीं पता चलते. बट आज की क्लास में हमने क्लियरली अंडरस्टैंड किया है कि क्या डिफरेंस है, और जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं, और उनके हेड कौन कौन होते हैं. तो एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ मैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं. तो विथ रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो PMO है आपका, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट केम इन टू एग्जिस्टेंस 1977. PMO की बात कर रहा है, राइट. इसके हेड कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी. तो इसका आप आंसर बताइए मुझे. तो हमने देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसको 1977 में ही रीनेम किया गया था. पहले इसका क्या था, कमेंट में मुझे बताइए. ऊपर हमने पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ओरिजिनल नाम क्या था. तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट था. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपका 1977 में किया गया, राइट. तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका कि इसके जो हेड है वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं. तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के हेड है. PMO के हेड कौन थे आपके? प्रिंसिपल सेक्रेटरी. याद है आपको, हमने डिस्कस किया. तो इस तरह तो दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है. तो राइट आंसर कौन हो जाता है? ओनली वन, सी ऑप्शन. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके UGC नेट में या अदर जो पॉलिटिकल साइंस जैसे MA का एंट्रेंस टेस्ट है उसमें आएंगे. और मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ MA का, तो जैसे कि जो जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ये पार्ट हैं, सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड PMO, ये आपका इसका इसमें सिलेबस में मेंशन है क्लियरली. सो आपको इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो प्रैक्टिस कर लेना है. बाकी जितनी मैक्सिमम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है वो ऑलरेडी यहाँ पर मैंशनड है. आप इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना मल्टीपल टाइम्स, आपके यहाँ से क्वेश्चन जो होंगे वो ईजिली बन जाएंगे, राइट. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज. होप यू लाइक द वीडियो. अगर वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And see you in the next video. Tab tak ke liye, keep learning, keep exploring. Thanks a lot.